टेक स्टेप्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ SBI का कस्टमर केयर नंबर क्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों गूगल में आप SBI कस्टमर केयर लिखकर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ ऊपर ही आपको नंबर दिखा देगा, पर इस नंबर को वेरीफाई करना जरूरी है कि ये सही नंबर है कि नहीं, तो इसलिए हमेशा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं। तो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in है और यहाँ पर ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा कॉन्टेक्ट अस कस्टमर केयर SBI, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही दोस्तों आप SBI की वेबसाइट पर आ जाएंगे और कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन हो जाएगा और ऊपर ही आपको मिल जाएगा SBI के कस्टमर केयर नंबर। तो यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर कुछ मिल जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलर्स के अंदर बहुत सारे टोल फ्री नंबर है। अगर कोई अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हुआ है या हो गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर दे सकते हैं। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडीज भी दी हुई है, और उसके बाद दोस्तों अगर आप टेक्स्ट करना चाहते हैं यानी मैसेज करके भेजना चाहते हैं, अगर आप किसी भी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है तो आप SMS कर सकते हैं अनहैप्पी, और SMS में लिख सकते हैं अनहैप्पी कैपिटल में और यहाँ पर जो नंबर दिया उस पर SMS कर सकते हैं, और मिस्ड कॉल बैंकिंग के लिए SBI क्विक का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नोडल ऑफिसर के नंबर मिल जाएंगे और कॉर्पोरेट सेंटर के नंबर मिल जाएंगे, और नोडल ऑफिसर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी यहाँ पर आपको कस्टमर केयर के कॉन्टेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था SBI के कस्टमर केयर का नंबर, आप किस तरह निकाल सकते हैं और कॉन्टेक्ट किस तरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में।